वेलकम टू हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन। आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब की गई और किसने की और कहां से की गई ये शुरुआत। अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2018 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने जयपुर जिले के दहमी कला गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की। इस योजना में सप्ताह में 3 दिन पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाया जाता है। यह कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध उपलब्ध कराया जाता है सरकारी स्कूल के बच्चों को। और एक वीक में 3 दिन यह दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जो कि 2 जुलाई से शुरुआत की गई और दहमी कला गाँव जयपुर से यह शुरुआत की गई और श्रीमती वसुंधरा राजे ने सीएम साहिबा ने इस योजना की शुरुआत की है। करंट अफेयर्स का दूसरा बिंदु है बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष कौन है। तो बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी चुने गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो इसमें राजस्थान का जो स्थान रहा है वो 9वां स्थान रहा है। और ये जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की वो लगातार गिर रही है। इससे पूर्व राजस्थान 8वें स्थान पर था और उससे पूर्व 6ठे स्थान पर था। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की रैंक लगातार गिर रही है और अभी वर्तमान में यह 9वीं रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक जो है विश्व बैंक तय करता है और विश्व बैंक यह DIPP के सहयोग से तय करता है। DIPP भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय की एक यूनिट है। ईच ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में जो अंतिम स्थान है वह मेघालय का है। मेघालय 36वें स्थान पर है। ये जो 9वीं रैंक है राजस्थान की, यह 2017-18 की वर्तमान ताजा रैंक है। नेक्स्ट बिंदु है 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स 5 सदस्य संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका ये 5 सदस्य शामिल है। और इस 10वें सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जो कि जुलाई 2018 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 21वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता, तो 21वां विश्व फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने जीता है। फ्रांस ने फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया को पराजित किया। और 21वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था मॉस्को रूस में और इसका शुभंकर था जाबीवा का। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का शुभंकर जाबीवा का था और यह मॉस्को रूस में आयोजित हुआ था। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया। लुझनिकी स्टेडियम मॉस्को में फीफा फुटबॉल विश्व कप का फाइनल भी खेला गया और इसी से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला जो विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो अगला फीफा फुटबॉल विश्व कप है, वो 2022 में आयोजित होगा और यह 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा जो कि कतर में आयोजित होगा। यह कतर में आयोजित होगा, इसने कतर ने इसकी मेजबानी स्वीकार की है। नेक्स्ट है RPSA का नवीन चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो दीपक उप्रेती को RPSA का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में पाकिस्तान के PM कौन पद स्थापित हुए हैं, तो PTI पार्टी के इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के नवीन प्रधानमंत्री बने हैं। इमरान खान के नेतृत्व वाली जो PTI पार्टी है उसने 269 सीटों में से 119 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इमरान खान की जो PTI पार्टी है वह पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के नाम से जानी जाती है। RPSA के जो चेयरमैन अभी बने हैं दीपक उप्रेती, वो इससे पूर्व गृह विभाग में ACS थे और दीपक उप्रेती से पूर्व है जो RPSA का चेयरमैन का जो पद था वो रिक्त था, जो कि 30 अप्रैल से रिक्त चला आ रहा था। उससे पहले
डॉक्टर राधेश्याम गर्ग इस पद पर थे। और आरपीएससी में अभी एक नवीन सदस्य भी बनाए गए हैं, रामू राम राय का। नेक्स्ट बिंदु है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी हाल ही में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है, तो इसमें है विक्टोरियन आर्ट डेको इंसेम्बल मुंबई को इसमें धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 किसको देने की घोषणा की गई है, तो यह है डॉक्टर भारत वाटवाणी और सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 देने की घोषणा की गई है। आदर्श ग्राम सम्मान किस ग्राम को प्राप्त हुआ है, किस ग्राम को मिला है, तो यह ग्राम है धनोरा गांव धौलपुर, राजस्थान के धनोरा गांव धौलपुर को आदर्श ग्राम सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया। नेक्स्ट है भामाशाह प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, भामाशाह प्राधिकरण का अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता है और इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अखिल अरोड़ा। भामाशाह प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन होता है जो कि चीफ सेक्रेटरी होता है और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता है। नेक्स्ट है शिक्षा रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये जो शिक्षा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है ये पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार है, यह है डॉक्टर माधवी त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है भारतवाहिनी पार्टी जो कि हाल ही में गठित की गई है वो किसने गठित की और इसका अध्यक्ष कौन है, भारतवाहिनी पार्टी श्री घनश्याम तिवारी ने गठित की है और इसके अध्यक्ष भी श्री घनश्याम तिवारी है और इस पार्टी में दीनदयाल वाहिनी का भी उल्लेख किया गया है। घनश्याम तिवारी बीजेपी से अलग होकर ये नवीन पार्टी गठित की है जो कि भारत वाहिनी पार्टी के नाम से है। नेक्स्ट है सौर्य उद्यान कहाँ है, जो कि भारत का पहले सौर्य उद्यान है, ये उद्यान दोरासर झुंझुनू में है जो कि अभी निर्माणाधीन है, ये भारत का पहला सौर्य उद्यान होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत उत्पादन थर्मल स्टेशन कौन सा है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन थर्मल स्टेशन छबड़ा थर्मल स्टेशन है। अभी हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान SSA और रमसा को मिलाकर एक नवीन नाम दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 5 तक तथा रमसा कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के संबंध में कार्य कर रहा था, अब सर्व शिक्षा अभियान और रमसा दोनों को मिलाकर इनका एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान का नाम दिया गया है जो एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है सुंदर गुर्जर जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी है, अभी हाल ही में जेवेलियन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और यह स्वर्ण पदक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री जो कि पेरिस में आयोजित हुआ था जिसमें सुंदर गुर्जर ने जो कि राजस्थान के हैं जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है दिव्यांश पंवार भी राजस्थान के हैं, इन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और यह ISSF जूनियर वर्ल्ड कप निशानेबाजी जर्मनी के सोल में आयोजित हुई थी। दिव्यांश पवार ने अपने जोरदार एलोविलिन के साथ ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है बिमस्टेक, अभी बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। बिमस्टेक एक आर्थिक समूह है जो कि 7 सदस्य है, यह है बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र के जो समवर्ती क्षेत्र के जो देश है उन 7 देशों का एक समूह है, आर्थिक समूह, इसे क्षेत्रीय आर्थिक समूह के रूप में पहचान प्राप्त की है, वर्तमान में नेपाल इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया है, तो ये पाली जिले में घोषित किया गया है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है मिसाल क्या है, यह है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रैंकिंग सिस्टम है। इस मिसाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रैंकिंग सिस्टम के जरिए संपूर्ण राजस्थान में सभी जिलों में दवाइयों की उपलब्धता की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके जरिए
सभी जिलों की स्वास्थ्य की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से विभिन्न पैमानों पर रैंकिंग तय की जाएगी, जैसे कि मातृ, नवजात, शिशु स्वास्थ्य सूचकांक, टीकाकरण, मरीजों की संतुष्टि, प्रसव पूर्व जांच, परिवार कल्याण, मातृ स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सभी मापदंडों के तहत सभी जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। मिसाल के जरिए जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रैंकिंग सिस्टम है, जो कि हाल ही में चिकित्सा विभाग के ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीनू गुप्ता ने शुरुआत की है इसकी। इस प्रकार आज प्रायोगिक तौर पर एक करंट अफेयर्स का वीडियो जारी किया जा रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए भविष्य में इसको जारी रखा जा सकता है। फिर एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।